नमस्कार फ्रेंड्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश एनसीईआरटी बुक ए पैक्ट विद द सन से चैप्टर फाइव तानसेन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हम कुछ फिलअप्स भी करेंगे और कुछ वन मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और ये फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है कि हर चैप्टर से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं ताकि आपका जो करिकुलम है वो स्ट्रॉन्ग हो। चलिए शुरू करते हैं। हु वॉज तानसेन? ऑप्शंस आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अवर कंट्री, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द अवर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, इम्पीरियर ऑफ आगरा। तो तानसेन वॉज ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ कंट्री, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड तानसेन लिव इन हिज चाइल्डहुड? नागपुर, काशी, ग्वालियर, दिल्ली। राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर जो है बिहाट गांव में जो है तानसेन का जन्म हुआ था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स तानसेन लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास? यहाँ मिस्टेक हो गई है लर्न की स्पेलिंग में। फ्रॉम स्वामी हरिदास 10 years, 20 years, 11 years और 15 years। तो स्वामी हरिदास से तानसेन ने जो है म्यूजिक 11 years तक सीखा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकंदन मिश्रा वॉज अ फेमस सिंगर ऑफ ग्वालियर। ही वॉज फादर ऑफ तानसेन, ग्रैंड फादर ऑफ तानसेन, अंकल ऑफ तानसेन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज हेयर फादर ऑफ तानसेन। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो है मुकंदन मिश्रा दिया हुआ है और कहीं कहीं पर जो है इनका नेम जो है मुकंदन पांडे दिया गया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज मुकंदन मिश्रास डाइंग विश? जो आखिरी इच्छा क्या थी मुकंदन मिश्रा की? द डाइंग विश ऑफ मुकंदन मिश्रा वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। जो मोहम्मद गौस है वो ग्वालियर के एक होली मैन थे और ऐसा माना जाता है कि मुकंदन मिश्रा की कोई भी बेबीज़ नहीं थे, चाइल्ड नहीं था, तो ये उनको वरदान दिया था इनको मोहम्मद गौस ने, तो इसलिए वो हमेशा उनके पास विजिट करने आया जाया करते थे। हु वॉज तानसेन्स वाइफ? रानी मृगनैनी, हुसैनी, सुनैनी, रानी कमलावती। राइट आंसर इज हेयर हुसैनी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर। रानी मृगनैनी के दरबार में जो हुसैनी थी वो एज ए म्यूजिशियन जाया करती थी और बाद में तानसेन के साथ वो भी स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तानसेन वॉज वन ऑफ द 9 jewels इन औरंगजेब्स कोर्ट, अकबर्स कोर्ट, शाहजहान कोर्ट्स, बाबर्स कोर्ट। तो राइट आंसर इज हेयर अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में जो तानसेन थे वो 9 jewels में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। तानसेन कैन इमिटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, द कॉल्स ऑफ हॉर्न्स, ऑप्शन ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज हेयर कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तानसेन इमिटेट कर सकते थे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को। हु सेड टू अकबर, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग एनीथिंग। ये किसने कहा अकबर से कि हम नहीं सोचते कि जो तानसेन है वो एक महान सिंगर हैं, हमको उसका टेस्ट करना चाहिए और उनको कहिए राग दीपक गाएं, क्योंकि केवल महान सिंगर ही राग दीपक को गा सकते हैं। ऑप्शन आर हुसैनी, स्वामी हरिदास, शौकत मान, राजा मान सिंह। राइट आंसर इज हेयर शौकत मान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सिंग राग मेघा टू सेव तानसेन्स लाइफ? राग मेघ किसने गाया तानसेन के लाइफ को बचाने के लिए? सरस्वती एंड रूपपति, अकबर, रानी मृगनैनी, ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर इज हेयर सरस्वती एंड रूपपति। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सरस्वती थी वो तानसेन की बेटी थी, उनके 5 children थे और उनमें से जो बेटी डॉटर चाइल्ड थी वो सरस्वती थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर तानसेन डाइड? 1585 इन आगरा, 1500 इन ग्वालियर, 1585 इन दिल्ली, 1586 इन मुंबई। तो जो तानसेन की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1885 में आगरा में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर इसको जो है
1586 भी दिया गया है, लेकिन ये है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो आगरा में हुई थी। नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन तानसेन हैड, 4, 2, 5, 6। तानसेन के कितने बच्चे थे, तो 5, राइट आंसर इज 5। नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन्स टॉम इज इन, तानसेन का टॉम कहाँ पर है, आगरा, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली। राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। जो तानसेन का टॉम है वो प्लेस है, पिलग्रिमेज है फॉर म्यूजिशंस के लिए, एक तीर्थ स्थान है जितने भी संगीतकार हैं। और जो तानसेन का बचपन का नाम था वो रामतनु था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।